तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर दो का है। सेमेस्टर दो में हमारा नया बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम मैट्रिसेस आपको कंप्लीट करा चुके थे। डिफरेंशियल इक्वेशन हमने स्टार्ट की थी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में चैप्टर वन चल रहा था, तो उसी में हम अगले सवालों को, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे कम से कम 10 से 15 सवाल मैंने आपको कराए थे इससे पिछले वाले वीडियो में। वो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। आज हम आपको कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के अलग तरीके के सवाल बताते हैं। कभी कभी ये 3 नंबर में सवाल पूछ लेता है, इसलिए मैं इसको इंपोर्टेंट कर दे रहा हूं। क्या है क्वेश्चन, किस तरीके से कह रहा है, वेरीफाई दैट वाई बराबर ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये आपको वेरीफाई करना है कि ये वेरीफाई सॉल्यूशन है एंड इट्स प्रूव दैट। ठीक है, ये कहेगा प्रूव दैट, ऐसे आपको प्रूव करवाएगा। पहली चीज कि ये वाला जो है ये आपको सिद्ध करना है, सॉरी ये वाला नहीं, ये सिद्ध करना है कि इस इक्वेशन का ये जो है सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, ये आपको वेरीफाई करना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आप ऐसा करो, इसका d2y dx2 + y को जोड़ो, 0 आ जाना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन को, एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लो, अभी मैं ही कंफ्यूजन में आ गया था। ये वेरीफाई दैट वाई, ये एक इक्वेशन दे रखी है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, मतलब इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, ये आपको प्रूव करना है। और अपने दिमाग में इतनी परिभाषा, इतनी भाषा, कोई भी चीज को दिमाग में मत रखिएगा, सीधे सीधे सवाल पर ये समझ लो, ये इक्वेशन दे रखी है, ये चीज आपको प्रूव करनी है। जैसे इंटर की क्लास में आपके अवकल समीकरण में ये सवाल आए थे, तो वही चीज। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ये आपका इक्वेशन दे रखी है वाई बराबर ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। ओके, चलिए इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे, dy अपॉन dx एक बार डेरिवेटिव करेंगे। a है cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस का sin x होता है, तो माइनस का sin x, फिर माइनस, ये है b, sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, ये लगा देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो dy अपॉन dx बराबर माइनस a, a माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा sin x माइनस बी, और ये हो जाएगा आपका cos x। इसका पुनः अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो कितना हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो माइनस का ए जो करते हो रहेगा, कॉस एक्स का साइन एक्स का करेंगे अवकलन तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस, और ये बी जो करते हो रहेगा इंटू कॉस एक्स का करेंगे तो ये माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। इसको हम फिर से करें डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ए, माइनस ए ये है आपका कॉस एक्स, और माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस बी, और ये है आपका साइन एक्स, ये चीज आ जाएगी आपकी। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब हमको ये क्या करना है, प्रूव करना है, तो अब हम इसमें से एल एच एस लेंगे, एल एच एस लेंगे, एल एच एस, एल एच एस क्या है आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई है, इसकी जगह पर ये रखें हमारा जीरो आ जाना चाहिए तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारे पास ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, कितनी है, माइनस का ए कॉस एक्स प्लस ये है बी साइन एक्स प्लस वाई, वाई की वैल्यू कहां पर है, ये है ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ये है आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा, ये प्लस का ए कॉस एक्स है और ये माइनस का ए कॉस एक्स, इससे ये कट गया, ये प्लस का बी साइन एक्स है, ये माइनस का, तो इससे ये कट गया, तो ये कितना आ गया, जीरो आ गया। ये एल एच एस, तो एल एच एस बराबर ये जीरो है तो ये आ जाएगा आर एच एस, तो कुल मिलाकर ये चीज आ गई, ये हो गया आपका प्रूव्ड, बात खत्म। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दिस इक्वेशन यानी दिस द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है, दिस इज द डिफरेंशियल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, मतलब इस इक्वेशन का ये आपका सॉल्यूशन है। ओके, चलिएगा, तो ये आपका सवाल हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे मैं आपको अगला सवाल कराता हूँ। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले सवाल पर, ये भी ऐसे ही, सो दैट वाई बराबर ये इक्वेशन दे रखी इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस,
मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या ले रखा है, y बराबर a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x। पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, e की पावर x का यदि अवकलन करते हैं हम तो e की पावर x ही रहता है, लेकिन जब e की पावर माइनस x होता है तो उसका अवकलन कितना होता है, ध्यान समझिए, e की पावर x का e की पावर x और माइनस x करने माइनस का 1, तो माइनस e की पावर माइनस x होता है। इस चीज को याद रखिएगा, e की पावर माइनस x का अवकलन माइनस e की पावर माइनस x होता है। ठीक है, चलिए इसका अवकलन करेंगे तो आप लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, ये a जो कहते हो है e की पावर x का अवकलन तो e की पावर x ही रहता है प्लस, अब ये b जो कहते हो रहेगा इनटू e की पावर माइनस x का e माइनस e की पावर माइनस x होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख दूं तो कितना हो जाएगा a e की पावर x प्लस ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा बाहर, तो ये b e की पावर माइनस x ये आ जाएगा। अब हमको तो दो बार अवकलन करना है तो इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो यहां पे लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग, दोबारा से अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा d2 y अपॉन dx2। ठीक है, ठीक, चलिए यहां तक दिखाई दे रहा है, ना दिखाई दे रहा हो तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जगह बहुत है, d2 y अपॉन dx2 बराबर a तो जो कहता हूं रहेगा e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, a e की पावर x का अवकलन e की पावर x रहेगा, फिर ये माइनस ये b, माइनस b जो कहता e की पावर माइनस x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाए, e की पावर माइनस x का करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस x ये हो जाए, तो d2y अपॉन dx2, तो ये a e की पावर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, हमको क्या करना है LHS लेकर चलेंगे, LHS क्या है d2y अपॉन dx2 माइनस y, LHS ये है, ये ले लिया हमने, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे d2y अपॉन dx2 की वैल्यू कितनी है, इतनी है a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x, फिर माइनस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू ये है, माइनस लग रहा है बाहर तो ब्रैकेट लगा देंगे a e की पावर x फिर प्लस b e की पावर माइनस x, अब यहाँ पर a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ से माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, अब देखिएगा इससे ये कट जाएगा क्योंकि a e की पावर x प्लस का माइनस का a e की पावर x, ऐसे ही ये प्लस का है ये माइनस का, इससे ये कट जाएगा, टोटल मिलाकर जीरो आ जाएगा। LHS लेकर हम चल रहे थे और हमारा LHS लिमिट निकालते निकालते वो ये रह गया, तो ये क्या आ गया RHS आ गया, यही चीज हमको प्रूव करनी थी, यही चीज प्रूव हो गई है, LHS लेकर चले थे हम, जीरो आ गया, प्रूव्ड, बात खत्म। ठीक है, चलिएगा, बहुत जल्दी कर लीजिए इस सवाल को, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे तो इसी तरीके से आपको आगे करना है। चलिए अब थोड़े से बड़े टाइप के सवाल लेंगे जो आपको और अच्छे लगेंगे, जल्दी से पहले यहाँ तक कर लीजिएगा फिर यहाँ से आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए इस सवाल को करने से पहले दो तीन बातें आप समझ लीजिएगा कि x की पावर n का यदि हम अवकलन करते हैं तो क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 होता है। ठीक उसी तरीके से यदि मेरे पास x की पावर 5 है और इसका मेरे को अवकलन करना पड़े तो 5 x की पावर 5 माइनस 1 यानी कि 5 x की पावर 4 आता है, लेकिन यदि यही चीज 1 अपॉन x की पावर 5 है और इसका मेरे को अवकलन करना पड़ रहा है तो कैसे करूंगा, तो इसका मतलब यह है कि ये b अपॉन dx x की पावर माइनस 5, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो माइनस 5 यहाँ पर आ जाएगा x की पावर,
एन माइनस वन इस तरीके से, तो माइनस पांच इंटू एक्स की पावर माइनस छह, ये छह नीचे चला जाएगा, तो माइनस पांच बट्टे एक्स की पावर छह। तो कुल मिलाकर ये हो गया कि यदि वन अपॉन एक्स है, इसका आपको अवकलन करना है, तब आप क्या करोगे, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर करोगे। और यदि एक्स की पावर दो है, इसका आपको अवकलन करना है, तो ये जो भी घात है उसको माइनस लगाइए, इसमें एक बढ़ा दीजिए एक्स की पावर तीन। ऐसे ही यदि x की पावर 7 है 1 अपॉन में, और इसका आपको अवकलन करना है, तो कितना हो जाएगा, ये 7 है तो ऊपर माइनस का 7 आ जाएगा, x की पावर नीचे 8 आ जाएगा। बात समझ रहे हो चीजों को, ये x की पावर यदि यहाँ पर आपका 9 है 1 अपॉन में, इस तरीके से आपको अवकलन करना है, तो माइनस 9 को x की पावर 10 इस तरीके से आप करोगे, ठीक है। इस चीज को आपको पता होनी चाहिए, बायोलॉजी के स्टूडेंट तो हो नहीं, इसको करिएगा, घबराना नहीं है। यहाँ पर आपको कोई ए और बी इस तरीके की दे रखी है इक्वेशन, तो इसमें एक सेकंड एक बार चेक कर ले रहा हूँ, ए एक्स है, ए एक्स प्लस बी इस तरीके से, चलिए तो इसका उसी तरीके से करना है, वाई बराबर दे रखा है आपका ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, ये दे रखा है। तो इस बी अपॉन एक्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बी इंटू वन अपॉन एक्स, बात वही है भाई, b इंटू वन अपॉन एक्स मतलब b की मल्टीप्लाई एक में करेंगे b बट्टे x, तो इस b बट्टे x का ही मतलब ये है, तो b अपॉन x की जगह पे मैंने ऐसा लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि सवाल करने में आसानी होगी, इसी से कहना चाह रहा हूँ, यदि मैं यहाँ पर एक बार अवकलन करूंगा तो dy वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये ए एक्स है, x का अवकलन वन हो जाएगा तो यहाँ पर a आ जाएगा, प्लस ये b तो जो का त्यों रहेगा, वन अपॉन एक्स का, वन अपॉन एक्स का अवकलन कितना बताया है मैंने, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इस चीज को, ऐसी चीजों को आप बीएससी में आ गए हो याद कर लो, ठीक है, रट लो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है, चलिएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए प्लस ए, और ये माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस बी इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ध्यान से समझे, ये आ गया, ठीक है। अब हम इसका पुनः यहाँ पे लिख देंगे अगेन डिफरेंस, अगेन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे, ए क्या है यहाँ पर, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का अवकलन कितना होता है, जीरो, ये तो हो जाएगा जीरो, फिर ये माइनस, ये बी है, बी जो का त्यों रहेगा इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर का, मैंने क्या बताया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे माइनस, और नीचे एक घात बढ़ जाएगी, तो माइनस वन अपॉन एक्स की पावर तीन इतना आ जाएगा, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर कितना हो जाएगा, ये जीरो खत्म, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, बी इंटू वन अपॉन एक्स की पावर तीन इतना आ जाएगा। ये चीज आ चुकी है, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब हमको क्या चाहिए, हमको तो ये बराबर जीरो सिद्ध करना है, तो हम यहाँ पर LHS लेंगे, पहले LHS, LHS आपका क्या है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ये आपका LHS है, ये पूरा लिख देंगे हम यहाँ पर, प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, चलिएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू कितनी है, b इंटू वन अपॉन एक्स की पावर तीन, ये आ गया, प्लस ये है x इंटू डी वाई बट्टे डी एक्स, डी वाई बट्टे डी एक्स की वैल्यू कितनी है, a माइनस b इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये है, ठीक है ब्रैक, फिर माइनस y, y की वैल्यू कितनी है, ये है, y की वैल्यू कितनी है, ये ए एक्स प्लस b इंटू वन अपॉन एक्स, ये है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर केवल एक्स बचेगा, तो बी की मल्टीप्लाई एक में करेंगे बी अपॉन एक्स बचेगा, क्योंकि यहाँ पर दो घातें खत्म हो जाएंगी, केवल एक घात बचेगी, ठीक है, तो ये बी अपॉन एक्स बचेगा, प्लस एक्स की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए एक्स हो जाएगा, फिर माइनस जब एक्स की मल्टीप्लाई इधर करूंगा, देखिएगा ध्यान से, इसमें जब मैं एक्स की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा, ये आपका बी तो है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू बी अपॉन नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, जब x की मल्टीप्लाई इसमें की तो ए एक्स आ गया, जब x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये माइनस बी एक्स हो जाएगा इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर था,
एक्स से ये एक्स कट जाएगा तो माइनस बी अपॉन एक्स बचेगा क्योंकि यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ, बी अपॉन एक्स लिख दे रहा हूँ। क्यों? जब एक्स की मल्टीप्लाई करोगे, एक्स की जो मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो एक एक्स से एक घात कट जाएगी तो माइनस का बी अपॉन एक्स बचेगा। माइनस ये ना बी ऊपर आ गया जो वन मल्टीप्लाई करेगा, माइनस जब इसमें मल्टीप्लाई होगी माइनस का ए एक्स फिर माइनस का बी अपॉन एक्स, बी की मल्टीप्लाई वन में कर दूंगा तो बी अपॉन एक्स हो जाएगा, माइनस इधर आ गया माइनस ये भी आ गया। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे, बायोलॉजी वाले तो है नहीं आप, मैथ के स्टूडेंट है। ठीक है, अब आपको क्या दिखाई दे रहा, इससे ए एक्स से ए एक्स कट गया और आपका क्या बचा, यहाँ पर देखिएगा कुछ बच रहा है, ये बी अपॉन एक्स बच रहा है, ये माइनस बी अपॉन एक्स बच रहा है, ये भी आपका माइनस बी अपॉन एक्स बच रहा है। तो कुछ तो कहीं पर गड़बड़ हुई है जिसके कारण ये आया है। ठीक है, चलिएगा तो हाँ इसकी जो ये देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यहां पर जब हमने ये जो मल्टीप्लाई किया देखिएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका यदि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये गलत लिख दिया है हमने देखिएगा, इसका जब करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर माइनस दो, ये दो ऊपर जाएगा माइनस का दो हो जाएगा, जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो माइनस दो आगे एक्स की पावर माइनस दो फिर माइनस एक, क्योंकि एक्स की पावर एन का जब हम अवकलन करते हैं तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन आता है, तो एन आगे आ जाएगा एक्स की पावर तीन, ये कितना हो जाएगा माइनस दो बट्टे एक्स की पावर तीन आएगा, माइनस दो बट्टे एक्स की पावर तीन आएगा। तो ये बाई मिस्टेक से ऐसा हुआ है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस दो बट्टे तीन आएगा, तो ये कितना है ये वाला, तो ये यहाँ पर भी कितना हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो दो बट्टे आ जाएगा इतना तीन, तो ये कितना आएगा यहाँ पर ये दो रहेगा बाकी एक्स स्क्वायर से कट जाएगा तो यहाँ पर टू भी आ जाएगा, दो की मल्टीप्लाई हो जाए टू भी। ठीक है, ये चीज आ जाएगी, बात समझ में आ रही है, ये चीज रख लीजिएगा आप याद में, ये टू बी अपॉन एक्स और ये माइनस का बी अपॉन एक्स माइनस का बी अपॉन एक्स, कभी भी देख लेना माइनस का वाई है, माइनस का वाई है तो ये माइनस का टू वाई लिखा जाता है, ऐसे ही ये समझो ये वाई, ये वाई समझो तो माइनस का वाई माइनस का वाई माइनस का टू वाई हो जाएगा, तो बी अपॉन एक्स माइनस का टू बी अपॉन एक्स ये हो जाएगा, इससे ये पूरा कट जाएगा तो ये जीरो आ जाएगा। LHS बराबर चल रहा था, LHS बराबर ये कितना हो जाएगा RHS, इस चीज को याद में रखिएगा। ठीक है, इस चीज को आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ओके, चलिएगा पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं आपको आगे कुछ चीज बताता हूँ। ठीक है, चलिए इस सवाल को करने से पहले दो तीन बातें आप समझ लीजिएगा कि x की पावर n का यदि हम अवकलन करते हैं तो क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन होता है। ठीक उसी तरीके से यदि मेरे पास x की पावर 5 है और इसका मेरे को अवकलन करना पड़े तो 5 x की पावर 5 माइनस एक यानी कि 5 x की पावर 4 आता है, लेकिन यदि यही चीज 1 अपॉन एक्स की पावर 5 है और इसका मेरे को अवकलन करना पड़ रहा है तो कैसे करूंगा, तो इसका मतलब ये है कि ये b अपॉन dx x की पावर माइनस 5 ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो माइनस 5 यहाँ पर आ जाएगा x की पावर n माइनस 1 इस तरीके से, तो माइनस 5 इंटू एक्स की पावर माइनस 6 ये 6 नीचे चला जाएगा तो माइनस 5 बट्टे एक्स की पावर 6, तो कुल मिलाकर ये हो गया कि यदि 1 अपॉन x है इसका आपको अवकलन करना है तब आप क्या करोगे माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर करोगे, और यदि x की पावर 2 है इसका आपको अवकलन करना है तो ये जो भी घात है उसको माइनस लगाइए इसमें एक बढ़ा दीजिए x की पावर 3, ऐसे ही यदि x की पावर 7 है 1 अपॉन में और इसका आपको अवकलन करना है तो कितना हो जाएगा, ये 7 है तो ऊपर माइनस का 7 आ जाएगा x की पावर नीचे 8 आ जाएगा, बात समझ रहे हो चीजों को, ये x की पावर यदि यहाँ पर आपका 9 है 1 अपॉन में इस तरीके से आपको अवकलन करना है तो माइनस 9 को x की पावर 10 इस तरीके से आप करोगे। ठीक है, इस चीज को आपको पता होनी चाहिए, बायोलॉजी के स्टूडेंट तो हो नहीं, इसको करिएगा तब आगे बढ़।
तो अब आ जाते हैं अपने तीसरे सवाल पर। देखिएगा, बहुत ही शानदार और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर वन है, तो ये आपको सिद्ध करना है। बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको करते हैं हम इसको सॉल्व। देखिएगा, अब की बार थोड़ा सा सवाल इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट नहीं दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। करिए, इसका अवकलन करते हैं। देखिएगा, तो हम यहां पर लिखेंगे पहले डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में हम अवकलन कर रहे हैं, तो ए इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये 2x हो जाएगा प्लस ये b है। y का अवकलन कैसे करते हैं, y का अवकलन x की तरह ही होता है लेकिन dy upon dx जुड़ जाता है, y स्क्वायर का अवकलन 2y हो जाएगा, साथ में इसके dy upon dx आ जाएगा बराबर 1। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ax प्लस, और ये कितना है, फिर ऐसे करो इसको इसको उधर पहुंचा दो तो ये हो जाएगा आपका 2vy, साथ में हो जाएगा dy upon dx बराबर ये 2ax उधर जाएगा तो माइनस 2ax हो जाएगा। अब आपको देखिएगा, यहां से दो से ये दो कट जाएगा तो dy upon dx बराबर माइनस ax upon by, इतना आ जाएगा आपका माइनस ax upon by, ये आ जाएगा। ओके, इस चीज को याद रखिएगा। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना का है किसी प्रकार का। ये ऐसा करो, इसको समीकरण एक मान लो, इसको समीकरण दो मान लो, ठीक है, चलिएगा। या फिर और इसको और इजी में आपको बता दूं, और इजी कैसे हो सकता है ये, ऐसा करिएगा इसमें इस वाली चीज को, ये एक्स वाई को इधर ही ले आओ, एक्स वाई को इधर ले आइएगा तो और इजी हो जाएगा, इसी जैसा बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, मैं आपको बताता हूँ। y को इधर, x को नीचे ले आइएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y upon x dy upon dx बराबर y ऊपर x नीचे बराबर माइनस a upon b, ये आ जाएगा। इसको आप समीकरण दो, इसको समीकरण दो मानिएगा, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इसका दोबारा से अवकलन करो तो देखिएगा, इसको आप एक वेरिएबल मानो, इसको एक वेरिएबल, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, दो चीजें होती है। यदि आपका पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन दोनों गुणनखंड में, उसका डेरिवेटिव कर रहे हो, पहला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस दूसरा फंक्शन जो कहते हो पहले का डेरिवेटिव, इस तरह से होता है। और यदि पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन इस तरह से बट्टे में दे रखा है तो कैसे करते हैं, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन जो कहते हो पहले का डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर पहला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का डेरिवेटिव, इस तरीके से करते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पर करेंगे, ये पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन दोनों गुणा में है तो कौन सा, ये वाला लगाएंगे, पहला फंक्शन जो कहते हो यानी कि वाई अपॉन एक्स जो कहते हो, इसका अवकलन dy upon dx का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा d2y upon dx2, ठीक है, फिर प्लस, फिर ये दूसरा वाला फंक्शन dy upon dx जो करते हो पहले का अवकलन, इसका अवकलन कैसे करेंगे देखिएगा, y upon x का अवकलन ऐसे लगा दिया मैंने, इसका अवकलन करेंगे बराबर, इसका अवकलन तो ये तो जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का अवकलन जीरो। अब यहाँ पर देखिएगा, ये तो हो जाएगा वाई अपॉन एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इतना हो जाएगा प्लस, ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका कैसे करोगे भाई, इसका कैसे करेंगे, इसका हम बट्टे वाला यूज करेंगे, इसमें यहाँ पर ये आपका पहला फंक्शन, ये आपका दूसरा फंक्शन, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर फिर से लगाएंगे नीचे वाले फंक्शन का स्क्वेयर, फिर आपका क्या करना है, नीचे वाला फंक्शन का स्क्वेयर, ठीक है, फिर किस तरीके से करते हैं, नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन दूसरे का अवकलन, ये उल्टा कर दिया मैंने, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन पहले का अवकलन, पहले का अवकलन, फिर माइनस, फिर पहला फंक्शन जो करते हो और दूसरे का अवकलन, इस तरीके से करते हो, नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन जो करते हो ऊपर का अवकलन, वाई का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, फिर माइनस,
फिर ऊपर वाला फंक्शन जो करते हो इनटू एक्स का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1। इस तरीके से आपका ये आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिएगा वाई अपॉन एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये है इनटू ये एक्स स्क्वेयर, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर को मैं यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ, तो ये कितना बचेगा, ये आपका बचेगा एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, इतना बचेगा आपका, और बराबर आपका 0 चल रहा है, बराबर 0 ये आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब इसकी आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वाई अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का स्क्वेयर, जब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो डी वाई अपॉन डी एक्स का ये हो जाएगा होल स्क्वेयर इंटू, ये एक्स है, ये एक्स स्क्वेयर की मल्टीप्लाई इस एक्स में हो जाएगी, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो गई तो ये स्क्वेयर आ गया, ये सारा एक ही वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस, तो ये वाई में मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो कितनी हो जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू ये हो जाएगा वाई बराबर 0 ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा इस वाली चीज को उधर पहुँचा दीजिएगा, इस वाली चीज को उधर पहुँचा दीजिएगा, इससे ये घात कट जाएगी, तो वाई अपॉन एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस ये कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन एक्स बचेगा, क्योंकि ये घात कट गई ना, बराबर ये उधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर, क्योंकि ये पूरी चीज माइनस की थी, उधर जाकर प्लस की होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हमको इधर क्या चाहिए था, इधर हमको केवल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए था, तो ये एक्स स्क्वेयर इधर ले आइए, एक्स स्क्वेयर की जब इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, एक्स स्क्वेयर की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी इस पूरे में, वाई अपॉन एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन एक्स, इसमें ये एक्स स्क्वेयर की मल्टीप्लाई इधर हो गई बराबर, और ये कितना बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू ये बचा वाई, ये आ गया। इधर वाली चीज तो हमारी आ चुकी है, इधर ये वाली चीज सारी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर एक्स चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिएगा ये 1 अपॉन एक्स है, यहाँ पर भी 1 अपॉन एक्स, आप बाहर कॉमन ले लीजिएगा, ये आपका एक्स स्क्वेयर है इंटू, यहाँ से 1 अपॉन एक्स मैं कॉमन ले लूंगा, यहाँ से 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लूंगा, वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस और डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर आ गया बराबर, और इसको मैं वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, ये चीज पूरी आ गई। अब यहाँ से देखिएगा इससे ये घात कट गई, तो यहाँ पर केवल एक्स बचेगा, इसका मतलब ये यहाँ पर कितना बचा एक्स, और तो ब्रैकेट वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस और डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर ब्रैकेट वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यही चीज हमको प्रूफ करनी थी, देख लीजिए यही चीज हमको प्रूफ करनी थी, नहीं करनी थी, यही चीज आ गई ना, आ गई, बस यहाँ पर यही चीज थी, यहाँ पर एक्स आ गया ये चीज। तो कभी कभी क्या है, हमको LHS और RHS निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली हम यदि करते हैं तो वो अपने आप सॉल्व हो जाता है, ये जब सवाल करोगे तब आपको प्रैक्टिस कर लोगे, अपने आप समझ में आने लगेंगी चीजें, कब सॉल्व करना है कब सॉल्व नहीं करना है। बाकी मैं आगे ट्रिक भी बताऊंगा आगे, पहले यहाँ तक करिएगा, यहाँ तक इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा, दो दो तीन तीन बार करिएगा, यदि कोई सवाल ना समझ में आए तो कमेंट कर बताइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जय हिंद।